हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सविता। आप सबको इंडियन ब्लॉगर सविता चैनल में स्वागत है। आज मैं फूड कस्टर्ड बना रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलते हैं, इसे बनाते हैं। मैं दिखा रही हूँ कि कैसे बनाती हूँ। चलिए इसे बनाते हैं। ये रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। और चैनल पे जो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलते हैं, इसे बनाते हैं। गैस ऑन करके दूध रख दी हूँ। ये 1 लीटर से थोड़ा सा कम है दूध। इसे 1 बॉयल आने तक हाई फ्लेम पे बॉयल करेंगे। दूध में बॉयल आ गया है, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। पूरा लो नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे और इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे दूध को। दूध अब गाढ़ा हो रहा है। ये दूध है, इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर को। 2 चम्मच चीनी है, इसे डाल दे रही हूँ। और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। अब थोड़ी देर इसे पकाएंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद थोड़ी देर तक चलाएंगे ताकि ये इसके तले में ना चिपके। थोड़ी देर और इसे पकाएंगे। दूध गाढ़ा हो गया है, लेकिन थोड़ी देर और इसे पका लेती हूँ। ये हो गया है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। अनार है, एप्पल है, बनाना है, ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम ली हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। दूध को मैं फ्रिज में रख दी थी, बिल्कुल ये चिल्ड हो गया है। इसमें फ्रूट को डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी होता है और ठंडा रहे तो चिल्ड जी चिल्ड बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। थोड़ा सा अनार के दाने रख लेंगे गार्निश के लिए। ड्राई फ्रूट भी पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा रख लूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फटाफट से 2 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है और खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता है। देखिए ये रेडी हो गया। इसको कुछ देर और फ्रिज में रख देंगे ताकि बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसे खाएंगे। दूध देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल पे जो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।